प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल ने पांचवीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद दोनों देशों के बीच 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश ई मोबिलिटी, स्मार्ट सिटी, नदियों की सफाई, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए और अधिक सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आर्थिक भागीदारी, व्यापार, निवेश और कृषि सहित तमाम महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की ओर से साझा बयान जारी किया गया। जर्मनी और भारत के मजबूत संबंधों को प्राथमिकता बताते हुए पीएम मोदी ने कुल 22 समझौते और संयुक्त घोषणा पत्रों पर सहमति की घोषणा की। पीएम मोदी ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर साझा सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की और उन्हें भारत का अच्छा मित्र बताया। पीएम ने कहा कि यूरोप ही नहीं बल्कि मर्केल दुनिया में सबसे लंबे समय तक राष्ट्र का नेतृत्व करने वाली नेता हैं। जर्मनी की चांसलर ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि विविधता से भरे देश की संस्कृति से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग और भी मजबूत हुए हैं। उन्होंने जर्मनी और भारत के बीच निवेश संबंधों को बढ़ाने पर खासा जोर देते हुए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा उपकरण तैयार करने के लिए कारखाना लगाने के लिए भी जर्मनी को आमंत्रित किया। हम जर्मनी को आमंत्रित करते हैं कि रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर में अवसरों का लाभ उठाएं। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंध डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है।